आज समाजवादी पार्टी महानगर मुरादाबाद के तत्वावधान में राष्ट्रीय महिला दिवस पर उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्रीमती सरोजिनी नायडू की जयंती पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर सरकार को घेरने के लिए समाजवादी महिला घेरा कार्यक्रम का आयोजन कर महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर विचार गोष्ठी में चर्चा की गई। महिलाओं एवं कार्यकर्ताओं ने महिला घेरा कार्यक्रम में महिलाओं से संबंधित मुद्दे को लेकर हाथों में विभिन्न तख्तियां ले रखी थी, जिसमें महिला सुरक्षा, महिला के खिलाफ पर बेलगाम अपराध, बलात्कार रोक की मांग, महंगाई में घर चलाने की समस्या, महंगा सिलेंडर, महिला हेल्पलाइन 181, महिला पावर लाइन की भाजपा सरकार में दुर्दशा, महिला स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, प्रसूति सेवाओं की कमी, पोषण की समस्या, घरेलू हिंसा, शिक्षा की उपेक्षा, नौकरी में भेदभाव, अपेक्षाकृत कम वेतन एवं राजनीतिक उपेक्षा को लेकर महिला विरोधी केंद्र और प्रदेश सरकार को हटाने का संकल्प लिया गया। राष्ट्रीय महिला दिवस पर समाजवादी महिला घेरा में मुख्य रूप से महानगर अध्यक्ष हाजी मुन्नू कुरैशी, लोकतंत्र रक्षक सेनानी बाबर खान, वरिष्ठ नेता एवं लोकसभा प्रत्याशी हाजी नासिर कुरैशी, महासचिव धर्मेंद्र यादव एवं पूर्व जिला अध्यक्ष अतर हुसैन अंसारी, हारून सेफी, कुशल यादव, सिद्दीकी कुरैशी, तालिब अंसारी, जावेद अंसारी, तारिक आफ्ताब आदि लोग मौजूद रहे। कोई उनको नौकरी नहीं मिल रही, आपने लॉकडाउन में भी देखा किस तरीके से लोगों का शोषण हुआ है, लेकिन सरकार मजबूत नहीं रह रही। पूरे देश भर में किसान दिल्ली में बैठे हैं, किस तरीके से किसान 3 महीने से बॉर्डर में बैठा हुआ है, लेकिन उनको कोई सुनने वाला नहीं है, नहीं तो एक दिन में सुनवाई हो जाया करती थी। आज किसान बदहाल है, उसके जो आज आपके मोहल्लों में जो ठेले वाले सब्जी बेचा करते हैं 10 रुपए 20 रुपए, एक साल के बाद ये सब्जी आपको 50-100 रुपए में जो कंपनी के मालिक हम पहले आपको देंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में उत्पीड़न हो रखा है, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे सभी समाज के साथ उत्पीड़न कर रखा है। आज यहाँ उपस्थित अपनी माओ बहनों का जिन्होंने अपना वक्त दिया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और आज एक बात जरूर आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूँ, आज पार्टी को मिलता है तो आज जरूरत है हम लोगों को लाइन पार हो, बच्चे बिहार हो, विभिन्न नगर हो और बहुत से ऐसे हमारे एरिए हैं जहाँ जाकर हमें कहने की जरूरत है कि आप लोग समाजवादी पार्टी का साथ दीजिए। तो मैं आज उन लोगों से इस बात को कहना चाहता हूँ कि वो लोग जाकर अपने क्षेत्र में मेहनत करिए और मेहनत करने की जरूरत है उन लोगों को। मैं विश्वास कराना चाहता हूँ आज इस मंच के माध्यम से माननीय अखिलेश यादव जी को भी, आपको 2022 में भी इन मुस्लिम एरियो में कहने की जरूरत नहीं है, आपको अपना संदेश पहुंचाने की जरूरत नहीं है। अध्यक्ष जी, क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया पार्टी कार्यालय? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर ये पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी महिला सभा द्वारा एक घेरा कार्यक्रम रखा गया, उसी का आयोजन समाजवादी पार्टी कार्यालय पर करा जा रहा और उसी में समाजवादी पार्टी के पूरे प्रदेश के अंदर जो उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल रही हैं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रही हैं, उनका भी जन्मदिन है, उसको भी हम बड़े हर्षोल्लास के साथ अब समाजवादी पार्टी कार्यालय पर बना रहे हैं और महिला दिवस के रूप में आज यहां पर बना रहे हैं। आप देख रहे हैं यहां पर कितनी भारी संख्या में महिलाएँ उपस्थित हैं और एक विचार गोष्ठी का आयोजन करा, उसमें हम अपनी सभी मातृशक्ति को यहाँ पर बोलने का मौका है और सब उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में विचार गोष्ठी का आयोजन करेगा समाजवादी पार्टी के समस्त हमारी महिला सभा जिला अध्यक्ष और महानगर की अध्यक्ष और सभी महिलाओं ने एक बहुत शानदार ये आयोजन कराया और उसमें समाजवादी पार्टी के जिले के लोग भी और समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता उनके साथ है और मैं जिला समाजवादी पार्टी की तरफ से सभी महिला सभा के जितने भी पदाधिकारी हैं, जिले की हमारी महिला सभा के जिला अध्यक्ष हैं फरोज वारसी जी और महानगर अध्यक्ष हैं यास्मीन सैफी जी और महिला आयोग की सदस्य रही हैं राजेश कुमारी यादव जी, नाग भारती जी और तमाम यहां पर उपस्थित हैं सभी के नाम जानता हूं मैं, इनका
इतने भव्य कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और इनको बधाई देता हूँ।